अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी किस तरह से ये डिज़ाइनिंग सा बेबी कुर्ता आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस मेथड से मैं आप लोगों को बताऊंगी, उस मेथड से आप लोग कोई भी बेबी के लिए ये बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो मेजरमेंट है, ये 5 ईयर्स से 6 ईयर्स बेबी के लिए है। टोटल लेंथ मैंने लिया है 18 इंच, और शोल्डर के लिए मैंने लिया है 12 इंच। स्लीव का जो लंबाई है वो मैंने लिया है 6 इंच। नेक के लिए मैंने लिया है 2.5 इंच, और नीचे का जो घेर है वो है 16 इंच। पर यहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा लूँगी, वो वीडियो के आखिर में आप लोगों को बताऊँगी क्यों। बेल्ट के लिए मैंने लिया है 26, और जो चेस्ट मैंने क्रॉच एरिया है वो मैंने लिया है 9.5 इंच। टोटल लेंथ है यहाँ पे 12 इंच, और पैर का जो घेर है वो मैंने लिया है 10 इंच। इस वीडियो के बाद ही मैं एक वीडियो दूंगी, जो आप लोग चाहो तो वो भी देख सकते हो। बेबी बच्चे का धोती पैंट जो है वो आप लोग किस तरह से तैयार कर सकते हो। तो ये वीडियो में आप लोगों को मैं पैंट करके दिखा रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने जो कपड़ा है, दो फोल्ड कर मैंने किया है, डबल फोल्ड, क्योंकि यहाँ पे मैंने दोनों को एक साथ में कट करूँगी, फ्रंट और बैक पार्ट को। शोल्डर से मैं हाफ मैं लूँगी, यानी कि 6 इंच। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच पे एक मार्क किया है। उसके बाद जो आर्म होल है, थोड़ा अगर ज़्यादा लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कुर्ता में थोड़ा ज़्यादा ही हम लोग बेसिकली लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 6.5 इंच। लेकर शोल्डर से मैं 1/2 इंच थोड़ा ज़्यादा लूँगी, क्योंकि यहाँ पे मेरी जो स्लेवेस है अटैच करने में चला जाएगा, वो 1/2 इंच मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे एक 1 इंच का एक मार्क देकर यहाँ पे राउंड सा शेप दे देती हूँ। उसके बाद अगर आप लोग फैब्रिक पहले धो के उसके बाद कटिंग करते हो तो 1 इंच काफ़ी है एक्स्ट्रा देने के लिए। अगर आप लोग फैब्रिक को नहीं धोते हो तो आप लोग 2 इंच लो, क्योंकि कॉटन फैब्रिक्स जो है धोने के बाद वो शॉर्ट हो जाता है। अगर आप लोग नए हो और मेजरमेंट में थोड़ा दिक्कत होती है तो आप लोगों को मैं प्रेफर करूँगी, काम करने से पहले आप लोग फैब्रिक को अच्छी तरह से धो के उसका जो हार्डनेस वाला जो मटेरियल्स है वो उसको निकाल लो, उसके बाद आप उसको आयरन करके इसको इस पर काम कर सकते हो। ये मेरी बैक नेक के लिए मैंने लिया है तकरीबन 1 इंच, क्योंकि बैक पार्ट में मैं दूंगी शॉर्ट, और जो बेसिकली जिस तरह से हम लोग हमारी कुर्तीज में होती है ठीक वैसे ही। उसके बाद यहाँ पे मैं एक जोड़ा सा दूंगी लाइन, और जो मेरी ओपन वाला पार्ट है उसके लिए मैं लूंगी यहाँ पे 5 इंच। ये 4 इंच है जो मेरी बोटम्स के लिए मैं लगाऊंगी, वो वाला पार्ट है। इसका लंबाई मैं ले रही हूँ 18 इंच, जो मेरी फ्रंट पार्ट पे होगा, और बैक पार्ट जो है वो होगा 20 इंच, यानी कि बैक पार्ट थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा और फ्रंट पार्ट थोड़ा छोटा होगा। तो अब मैं क्या करूँगी, 18 इंच पे एक मैं स्ट्रेट लाइन कर देती हूँ। उसके बाद मैं और एक दूसरा लाइन दूंगी जो मेरी बैक के लिए होगा, बैक पार्ट के लिए, और इसका जो चौड़ाई है तकरीबन मेरी, जब मैं आप लोगों को मेजरमेंट दिखा रही थी वहाँ पे मैंने लिया था 16 इंच, पर यहाँ पे मैं टोटल में लूँगी 20 इंच। यहाँ पे मैंने 10 इंच लिया है, क्योंकि अगर नीचे से थोड़ा ज़्यादा हो, लूज हो, तो दिखने में अच्छा लगता है और बहुत ही कंफर्टेबल होती है बच्चे के लिए। सो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन कर दिया है, और नीचे से यहाँ पे इस कोने पे 1 इंच का एक राउंड शेप दूंगी इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे मैं एक राउंड शेप वाला पार्ट चाहती हूँ, इसीलिए मैं इसको इस तरह से दे रही हूँ। और जो मेरी बैक पार्ट है वो 2 इंच ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे मेरे थोड़ा कम है,
1.5 इंच का मैंने लिया है, सो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का ही एक्स्ट्रा ले रही हूँ। और यहाँ पे दोनों पार्ट को काट लूंगी, सबसे पहले मैं बैक पार्ट काटूंगी, उसके बाद मैं फ्रंट पार्ट को काटूंगी। और जो नेक है इसको भी मैं कट कर लेती हूँ। कट करने के बाद नीचे से मेरी बैक पार्ट जो है उसको मैं निकाल लूंगी और फ्रंट पार्ट को मैं अब कटिंग करूंगी, क्योंकि मेरी फ्रंट पार्ट जो है वो नेक जो है वो थोड़ा बड़ा होगा सामने से, यानी कि तकरीबन 2.5 इंच का मैं लूंगी फ्रंट का जो नेक है वो। सो अब मैं बैक जो फ्रंट पार्ट है उसका नीचे का जो ये हिस्सा है इसको मैं कट कर लेती हूँ। और नेक के लिए 2.5 इंच का एक मार्क करके यहाँ पे मैं नेक को निकाल लूंगी। अगर आप लोग चाहो तो इससे थोड़ा ज़्यादा भी दे सकते हो, जो आप लोगों को पसंद हो। यहाँ पे मैं 5 इयर्स बच्चे के लिए मैं कर रही हूँ, सो यहाँ पे 3 इंच काफ़ी है। सो ये मैंने कट कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, ये जो शोल्डर का पार्ट है ये शोल्डर का पार्ट को भी मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद मैं आप लोगों का कटिंग बताऊंगी पैंट की। पैंट के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 12 इंच लंबाई और 4 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी जो मेरी एलास्टिक है वो उसके लिए। अगर आप लोग डोरी लगाना चाहते हो तो आप लोग लगा सकते हो, बट बच्चे के लिए कंफर्टेबल होती है अगर आप लोग एलास्टिक लगाते हो तो इसका जो चौड़ाई है आप लोग कोई भी मेजरमेंट ले सकते हो, क्योंकि लूज़ आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कितना लूज़ चाहते हो बेबी का पैंट। बट 13 इंच से मैं 2 इंच क्रॉच के लिए चला जाएगा, तकरीबन रह जाएगा 11 इंच। सो यहाँ पे मैं 13 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ और यहाँ पे एक डॉट लाइन दे देती हूँ इस तरह से। और ये जो 4 इंच है इसको छोड़ के मैं मेरी जो बेसिक पार्ट है यानी कि जो मेरी बेसिक मेजरमेंट है उसको मैं निकाल लूँगी। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये जो क्रॉच है, क्रॉच के लिए मैंने लिया था 9.5 इंच, तो यहाँ पे 9.5 इंच पे एक मार्क करूँगी। करने के बाद यहाँ पे 2 इंच का कर्व लाइन जो है उसको लिए, उसके लिए मुझे 2 इंच का मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ और ऊपर से भी 2 इंच में ले रही हूँ। और यहाँ पे मैं तकरीबन 1 इंच का एक कर्व लाइन दूंगी। देने के बाद नीचे से मेरी 10 इंच था, 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया सिलाई के लिए और इसको मैं जोड़ दूंगी। और अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे तकरीबन मेरी बेल्ट का पार्ट जो पैंट का पार्ट है वो 11 इंच आ गया है 2 इंच को माइनस करने से। तो ये मेरी पैंट हो गई है और यहाँ पे छोटा सा कट कर देती हूँ तो बहुत इजी होगा सिलाई के वक्त। और अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं आप लोगों को स्टिचिंग मेथड बताती हूँ। यहाँ पे इजीली जितना इजी हो सके और जल्दी हो सके मैं दिखा रही हूँ, पर ये जो नेक कॉलर और जो शोल्डर का जो ये यानी कि स्लीव्स का जो डिज़ाइंस है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं लिंक दे दूंगी, आप चाहो तो वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे पूरी डिटेल्स में होगा। क्योंकि ये अगर इस वीडियो में अगर पूरा वीडियो में आप लोगों को बताऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, सो इसीलिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और फिर भी अगर आप लोग चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक होगा, आप लोग वहाँ पे देख सकते हो किस तरह से मैंने ये कॉलर और ये जो फ्रंट का जो पार्ट है ये सब मैंने किस तरह से किया है। और जो स्लीव्स है उसको भी मैंने एक वीडियो करके दिखा दूँगी मेरे चैनल पे, आप लोग देख सकते हो।
तो इसको मैं उल्टा तरफ ले आकर इसको आयरन करके फ्लैट कर लूँगी। और इसको मैं दोनों तरफ से फोल्ड करके एक शेप में ले आऊंगी इस तरह से। सो मेरी वीडियो पे होगा किस तरह से मैंने ये किया है, घबराने की कोई बात नहीं है। आई होप ये वीडियो में आप लोगों को समझ में कोई भी दिक्कत ना हो। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी जो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक्स होगी वहाँ से आप लोग ऑल वीडियोस जो है वो देखो, तो उससे होगा क्या, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा और आसानी से आप लोग घर पे ही ये कुर्ती इसी डिज़ाइन का आप लोग बड़े के लिए भी आप लोग कर सकते हो। सिर्फ बड़े का जो डिज़ाइन मेजरमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, बट मेथड यही है। तो यहाँ पे मैं इसको स्टिच कर रही हूँ और स्टिचिंग मेथड भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दे रही हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो मुझे कहते हैं कि क्यों मैंने कट कर करके वीडियोस दिए हैं, समझ में कुछ नहीं आता है। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग होगा बट पूरे डिटेल्स में मैंने ये वीडियो दिया है। और आई होप जो लोग नए हो उन लोगों को समझ में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कॉमेंट के दौरान बता सकते हो या फिर मुझे फेसबुक पर भी नॉक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं लिंक दे दूंगी, आप लोग चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो। तो ये है मेरी जो फ्रंट पार्ट का नेक है वो तैयार हो गई है। अब मैं क्या करूंगी, इसका कॉलर को मैं अटैच करूंगी। तो सबसे पहले फ्रंट को मैं फ्रंट और बैक पार्ट जो है फेस टू फेस करके यहाँ पे मिला लूंगी इस तरह से। उसके बाद जो नेक का मेजरमेंट है वो मैं निकल के यहाँ पे लगाऊंगी और ये वीडियो भी मैं आप लोगों को वीडियो में यानी कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं लिंक दे दूंगी। तो ये है मेरी स्लेवेस को मैं अटैच कर रही हूँ और जो नीचे का पार्ट है बॉटम पार्ट है वो बॉटम पार्ट को मुझे दो बार फोल्ड करके मैं यहाँ पे नॉर्मल स्टिच दूंगी जो हम लोग नॉर्मली कुर्तीज़ में देते हैं बच्चे यानी कि जो बॉय बेबीज का होती है वो। तो यहाँ पे मैं ये जो पार्ट है इसको मैंने फोल्ड करके लिया है दो पार्ट पे, ये मेरी पॉकेट होगा मेरी कुर्ती का। तो चारों तरफ से मैं यहाँ पे फोल्ड कर दूंगी और तकरीबन वन इंच का स्पेस मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि स्टिचिंग करने के बाद इसको मुझे घुमाकर राइट तरफ ले आना होगा। और इसको घुमा के मैं राइट तरफ ले आकर इसको डायरेक्ट मेरी जो कुर्ती है उस पर मैं लगा दूंगी। तो एक साइड पे मैं दो बार यहाँ पे स्टिच करूँगी इस तरह से, क्योंकि ये मेरी ऊपर का पार्ट होगा पॉकेट का। और इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे अटैच कर लूंगी इस तरह से। तो यहाँ पे मेरी ये हो गई है, मैं तीनों तरफ से मैं ये स्टिच कर रही हूँ और इसको दोनों तरफ से इस तरह से ब्लॉक कर देती हूँ। उसके बाद ये नीचे का पार्ट है उसको मैं दो बार फोल्ड करके यहाँ पे मैंने सिलाई कर लिया है और स्लेवेस से नीचे से लेकर मैं नीचे तक यानी कि मेरी जो वेस्ट है वेस्ट तक मैं इसको स्टिच कर लूँगी। और जब ये स्टिच हो जाएगा चारों तरफ से आप लोगों को ओवरलुक करना होगा या फिर आप लोग जिगजग स्टिच से भी स्टिच कर सकते हो।
और ये है क्रॉच, यानी कि जो फ्रंट और बैक पार्ट है उसका क्रॉच मैंने स्टिच कर लिया है। इसी तरह से मुझे दोनों तरफ यानी कि दाएं बाएं दोनों तरफ मुझे स्टिच करना होगा। जब ये स्टिच हो जाएगा उसके बाद मुझे मेरी जो बेल्ट है, बेल्ट का जो मैंने 4 इंच लिया था उसको भी मुझे दो बार फोल्ड करके स्टिच करना होगा। डिटेल्स में बताने की कोशिश कर रही हूँ, आई होप आप लोगों को समझ में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जब ये हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे मैंने दो बार फोल्ड कर लूँगी। आप लोगों को मैं करके दिखाती हूँ तो आप लोगों को समझ में आ गया। ये है मेरी 4 इंच का कट जो मैंने दिया था और इसके ऊपर इस तरह से रख के इसको मैं स्टिच कर लूँगी। चारों तरफ से मैं स्टिच करूंगी, तकरीबन 1.5 इंच का स्पेस छोड़ के मैं स्टिच करूंगी। वो 1.5 इंच का जो स्पेस है उससे मुझे इलास्टिक को देना होगा अंदर की तरफ, इससे बहुत ही आसानी होगी और बैलेंस करने में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने ये कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे 1 इंच इसको छोड़ देती हूँ। अब मैं स्टिच करूंगी जो पैरों का पार्ट है वो। सबसे पहले नीचे से आप लोगों को दो बार फोल्ड करना है, यहां से आप लोगों को फोल्ड करना होगा। फोल्ड करके यहाँ पे एक बॉर्डर के जैसे बनाना होगा इस तरह से। करने के बाद आप लोग दो स्टिच नीचे दो, ऊपर एक और साइड पे एक। जब ये हो जाएगा उसके बाद आप लोग जो क्रॉच है उसको अच्छी तरह से मिला के यहाँ पे आप लोग स्टिच कर लो दोनों पैर को। और यहाँ पे ये जो क्रॉच वाला पार्ट है आप लोगों को मैं प्रेफर करूँगी, यहाँ पे आप लोग दो बार स्टिच दो तो इससे बहुत ही इजी होगा। तो इसी तरह से मैं इस साइड को स्टिच कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ दो बार फोल्ड करके इसको नीचे से आप लोगों को फोल्ड कर लो और यहाँ पे आप लोग इलास्टिक अटैच कर लो। तो इसी तरह से मेरी ये जो ड्रेस है, कुर्ता और जो पैंट है वो तैयार हो गई है। इस समर के लिए बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल मेथड में आप लोगों को साथ में शेयर किया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और पास में जो बेल बटन है उसको ज़रूर क्लिक करना तो सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।